व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है। वह सदन में तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सोमवार को सदन में हुए हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 दलों के साथ मंगलवार को बैठक की थी। इसके बाद भी लोकसभा में मंगलवार को हंगामा हुआ और महिला सांसद के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसे लोकसभा अध्यक्ष काफी आहत है। ओम बिरला ने बुधवार को सदन की कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और पूरे दिन अपने चेंबर में बैठे रहे। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को भी उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से भृतहारी मेहताब ने उनकी जगह सदन का संचालन किया। बता दें कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा करने के लिए अड़े विपक्ष से बिरला ने कहा था कि सरकार होली के बाद लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव पर विपक्षी सांसद भड़क गए और पन्ने फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकने लगे। राज्यसभा में विपक्षी सांसद दिल्ली हिंसा को लेकर उच्च सदन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, कोई नारा नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सांसद है, कोई बाजार नहीं। भारी हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्रवाई को अगले दिन तक स्थगित कर दिया है। SPN 9 न्यूज से लता की रिपोर्ट।